नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियाँ। रसायन शास्त्र तथा भौतिकी में 2017 का नोबेल पुरस्कार आणविक ढांचों के विस्तृत निर्धारण की महत्वपूर्ण खोज तथा पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए दिया गया। दुनिया भर में 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ज्ञान विज्ञान बता रहा है भारत तथा विश्व में भूकंप आपदा का विज्ञान। दीपावली में पटाखों से हर साल गिरती है हवा की गुणवत्ता। ज्ञान विज्ञान बता रहा है इससे होने वाली पर्यावरण और स्वास्थ्य की समस्याएं तथा बरती जाने वाली सावधानियां। केरल में तिरुवनंतपुरम स्थित आइसर में वैज्ञानिकों ने तैयार किया समुद्र तथा नदियों से तेल रिसाव की सफाई के लिए नया पदार्थ। सबसे पहले इस सप्ताह के मुख्य समाचार। 2017 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार राइनर वाइस, बैरी बेरिश तथा कीप थॉन को लीगो की खोज तथा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से जुड़े महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया है। जबकि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जाक दुबोशे, जोआकिम फ्रैंक तथा रिचर्ड हेंडरसन को घोल में उच्च वियोजन वाले ढांचा तय करने वाले जैविक अणुओं के चित्रण के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए दिया गया है। पेश है दोनों क्षेत्रों के बारे में ज्ञान विज्ञान की यह विस्तृत रिपोर्ट। 2017 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार लीगो सूचक उपकरण की मदद से पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों की महत्वपूर्ण खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। लीगो का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को खोजने वाला ये महत्वपूर्ण उपकरण अमेरिका में स्थापित है। इस उपकरण ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व पर मोहर लगा दी, जिनकी उपस्थिति की भविष्यवाणी आइंस्टीन ने करीब एक सदी पहले की थी। इस खोज के लिए मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर राइनर वाइस, बैरी सी बैरिश तथा अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के किप एस थॉर्न को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि ब्रह्मांड में आपस में टकराने वाले पदार्थ, जिनमें द्रव्यमान है, स्थान तथा समय के ताने बाने में तरंग पैदा करेंगे। उन्होंने इन तरंगों को ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वाकर्षण तरंगों का नाम दिया, लेकिन वो उनकी उपस्थिति साबित नहीं कर सके, क्योंकि जब तक वो धरती से दूर निकल जाते हैं तब तक तरंगें कमजोर हो जाती हैं और उनका पता नहीं लग पाता। 14 सितंबर 2015 को मानव इतिहास में पहली बार लीगो ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की। ये तरंगें 1.3 अरब साल पहले 2 विशाल ब्लैक होल्स के टकराने से उत्पन्न हुई थीं। ये तरंगें धरती के पास से गुजर रही थीं जब लीगो ने उन्हें अमेरिका के लुइजियाना में हैनफोर्ड तथा लिविंगस्टन में स्थित एल आकार के अत्यंत संवेदनशील विशाल लेजर इन्फेरोमीटर के जोड़ों की मदद से खोज निकाला। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से अंतरिक्ष वैज्ञानियों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विस्तार के विषय में अध्ययन करने में आसानी होगी, बाहरी दुनिया के रहस्य पता लगाने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में कई नई खोजों की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नामक तकनीक की खोज के लिए दिया गया है। ये तकनीक वैज्ञानिकों को जैविक अणुओं जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए के ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। इस खोज के लिए स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ लोजेन के जाक दुबोशे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जोआकिम फ्रैंक तथा एमआरसी लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैम्ब्रिज के रिचर्ड हेंडरसन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये तकनीक प्रारंभ हुई 1975 से 1986 के बीच की गई जोआकिम फ्रैंक की खोज से, जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम की 2D तस्वीरों को जोड़कर 3D तस्वीरें उत्पन्न करने की तकनीकी खोज निकाली और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा उनका विश्लेषण किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जानकारी 1931 से थी। का पहली बार इस्तेमाल कीड़ों के मुंह के हिस्से तथा एंटीना के महीन ढांचे तथा पौधे और जानवरों की कोशिका झिल्ली की जांच के लिए किया गया था। इस विधि में इलेक्ट्रॉन की एक धार किसी वस्तु पर डाली जाती है। इलेक्ट्रॉन की धार वस्तु पर पड़ने के बाद विवर्तित होती है, जो वस्तु के आकार की तस्वीर 10,00,000 गुणा तक बढ़ा देती है। इसे एक अन्य उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी रोशनी के रास्ते में खड़ा होता है तो व्यक्ति पर पड़ने के बाद रोशनी विवर्तित हो जाती है और दीवार पर परछाई बनती है। इस परछाई द्वारा व्यक्ति का आकार तय करने में आसानी होती है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसी तरह कार्य करता है, लेकिन उससे प्राप्त तस्वीर का आकार काफी बड़ा होता है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग प्रोटीन जैसे सूक्ष्म अणुओं को देखने के लिए नहीं किया गया था। 1990 में रिचर्ड हेंडरसन ने पहली बार प्रोटीन के सूक्ष्म ढांचे को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया, लेकिन इस विधि में एक बुनियादी समस्या थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते समय प्रोटीन को निर्वात स्थल पर रखना पड़ता था, जिससे वो नमूना सूख जाता था। लिहाजा इस विधि के द्वारा प्रोटीन को उसकी स्वाभाविक स्थिति में नहीं देखा जा सकता था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल हुआ जब जाक दुबोशे को तरल नाइट्रोजन का उपयोग कर प्रोटीन को ठंडा करने में सफलता मिली, ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा जा सके। तरल नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जो नमूनों को तेजी से जमा देता है। तुरंत ठंडा होने से जैव अणुओं के ढांचों में परिवर्तन नहीं होता। इस विधि का लाभ ये है कि प्रोटीन तथा दूसरे जैव अणुओं का अध्ययन वास्तविक समय में किया जा सकता है, जबकि वो घोल में अपना काम जारी रख सकते हैं। इस खोज से नए युग की शुरुआत हुई है और वैज्ञानिकों को जैव अणुओं की 3D लाइव तस्वीरें प्राप्त करने में आसानी हुई है। इससे भविष्य में जैव रसायन तथा स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों का रास्ता साफ हुआ है। हर वर्ष 13 अक्टूबर का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में आपदाओं से जुड़े खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इनमें आपदा न्यूनीकरण के लिए रणनीति, राहत तथा इनसे जुड़ी तैयारियां भी शामिल हैं। भारत को कई बार भूकंप का दंश झेलना पड़ा है, क्योंकि देश के कई हिस्से भूकंपीय क्षेत्रों में पड़ते हैं। ज्ञान विज्ञान आपको विस्तार से बता रहा है कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं तथा इस प्राकृतिक आपदा के अध्ययन के लिए क्या तकनीकी अपनाई गई है। विश्व के भूकंपीय मानचित्र पर नजर दौड़ाएं तो भारत इसमें अहम स्थान रखता है। उत्तर भारत से उत्तर पूर्वी भारत तक भूकंपीय क्षेत्र हैं, जो यूरेशियाई प्लेट तथा हिमालय पर्वतमाला के संगम पर पड़ते हैं। भारतीय मानक संस्थान के मुताबिक भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, 2, 3, 4 तथा 5, जिनमें क्षेत्र 5 सर्वाधिक सक्रिय है। भूकंपीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां भूकंपीय गतिविधियों का खतरा सबसे अधिक होता है, जिनसे भूकंप आते हैं। देश को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करने से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा वहां राहत की रणनीति तैयार करने में आसानी होती है। पूरा उत्तर पूर्वी भारत भूकंपीय क्षेत्र 5 में पड़ता है। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर के हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार के कुछ हिस्से तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सभी इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। पिछली सदी में इन क्षेत्रों में 5 भयानक भूकंप आए थे, रेक्टर स्केल पर, जिनकी माप 7 से अधिक थी। क्षेत्र 4 में जम्मू कश्मीर के हिस्से, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से तथा राजस्थान के कुछ हिस्से आते हैं। क्षेत्र 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक पड़ते हैं, जबकि क्षेत्र 2 में देश के शेष हिस्से आते हैं। विवर्तनिक प्लेट धरती की परत तथा ऊपरी आवरण का हिस्सा होते हैं। दोनों को मिलाकर थलमंडल कहा जाता है। इनकी मोटाई करीब 100 किलोमीटर होती है तथा इनमें मुख्य रूप से 2 पदार्थ पाए जाते हैं, समुद्री सतह तथा महाद्वीपीय सतह। ये प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील रहते हैं। आमतौर पर ये सालाना 5 से 10 सेंटीमीटर खिसकते हैं, जिससे उनकी सीमाएं आपस में टकराती हैं। इस टकराव से वो या तो आपस में मिल जाते हैं या भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं अथवा एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। धरती में आने वाले अधिकांश भूकंपों तथा ज्वालामुखी का यही मुख्य वजह बताई जाती है। भूकंप पैदा होने के बिंदु को अवकेंद्र या केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं, जबकि इससे ठीक ऊपर धरती की सतह को ऊपरी केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र के आसपास तेज कंपन होने के कारण धरती की सतह पर सर्वाधिक नुकसान एपिसेंटर के आसपास के क्षेत्रों में होता है। भूकंप का अध्ययन करने वाली शाखा को भूकंप विज्ञान कहते हैं तथा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वालों को भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आर द अर्थक्वेक्स व्हिच अकर बिकॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट। इफ यू लुक एट द ग्लोब, द एंटायर ग्लोब इज मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स एंड दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड इन द प्रोसेस दे एट सम प्लेसेस दे कोलाइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे वन प्लेट सबडक्ट्स अंडर द अदर प्लेट। भूकंप के अवकेंद्र से 3 प्रकार की तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं। इन्हें पी, एस तथा एल तरंगें कहते हैं। पी या प्राथमिक तरंगें सबसे पहले भूकंप अभिलेखन केंद्र तक पहुंचती हैं, क्योंकि इनकी रफ्तार एस या शियर अथवा द्वितीय तरंगों की तुलना में 1.7 गुना अधिक होती है।
प्राथमिक तरंगें चट्टानों में तरंगों की दिशा में कंपन लाती हैं, जबकि द्वितीय तरंगें इससे 90 डिग्री कोण पर कंपन लाती हैं। जब पी तथा एस तरंगें धरती की सतह पर पहुंचती हैं, तो वो एल या लव तरंगों में बदल जाती हैं। इन एल तरंगों के कारण सबसे अधिक कंपन तथा बर्बादी होती है। जिस उपकरण से भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, उसे भूकंप सूचक यंत्र या साइज्मोग्राम कहते हैं। भूकंप की माप के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। इस माप में हर स्केल में दर्ज की गई ऊर्जा पिछले स्केल से 30 गुना अधिक होती है। अभी तक दुनिया भर में ऐसी कोई तकनीकी विकसित नहीं हो पाई है जो भूकंप होने की जगह, वक्त तथा उसके माप की भविष्यवाणी कर सके। लेकिन अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चमोली तथा धारचूला के बीच 200 किलोमीटर के क्षेत्र में 100 भूकंप सेंसर लगाने की योजना बना रहा है। ये सेंसर उस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा आसपास रहने वालों को चेतावनी देने तथा विस्थापन प्रक्रिया तेज करने में मददगार साबित होंगे। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे दीपावली के दौरान पटाखों के कारण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर और बताएंगे कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में हर वर्ष दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पटाखे छोड़ना रोशनी के इस त्यौहार का अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन यही पटाखे हवा में विषैली गैस तथा हानिकारक कणों की वजह बन जाते हैं, जिनसे हवा की गुणवत्ता कम होती है। नतीजा ये होता है कि इससे कई स्वास्थ्य जनित परेशानियाँ जैसे सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ लंबे समय में प्रजनन तथा विकास अवरुद्ध होने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। लिहाजा पटाखे छोड़ने से पहले हमारी विशेष रिपोर्ट देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। 9 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर तक इस तर्क के साथ पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है कि हर साल पटाखे जलाने से वायु की गुणवत्ता में गिरावट होने का स्पष्ट प्रमाण है। रोशनी का त्यौहार कहलाने वाली दिवाली अब पटाखों और प्रदूषण के त्यौहार में परिवर्तित हो गई है। लोगों को शायद ही इस बात का एहसास है कि शहरों की बढ़ती आबादी के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे में पटाखे जलाने की क्षणिक खुशी प्रदूषण को और बढ़ा देती है। पटाखे बनाने में विषैले रसायनों का प्रयोग होता है। उन्हें जलाने से सल्फर के यौगिक, भारी धातु, कोयला, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक रसायन हवा में घुलते हैं। पटाखे बनाने में बेरियम, एल्युमिनियम, रुबीडियम, कैडमियम, पारा का इस्तेमाल होता है, जो विभिन्न रंगों की रोशनी उत्पन्न करते हैं। लेकिन यही रसायन जब सांस के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाते हैं, जैसे खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, हृदय वाहिनी से जुड़ी बीमारियां, फेफड़ों को नुकसान, कैंसर का खतरा तथा समय पूर्व मृत्यु। दिवाली की सिर्फ एक रात में ही पर्यावरण में इतना प्रदूषण फैलता है जितना सामान्य स्तर पर पूरे साल में फैलता है। पटाखे जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस उत्पन्न होती है, जिनसे वातावरण में भारी मात्रा में धुआं फैलता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इनसे हृदय वाहिनी तथा फेफड़ों की बीमारियां जैसे अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस इत्यादि होते हैं। दिवाली के समय ठंड का आगमन हो चुका होता है तथा इस मौसम में पटाखे जलाने पर स्मॉग पैदा होता है। जहरीला स्मॉग लंबे समय तक धरती के करीब रहता है और धीरे धीरे वातावरण में घुलता है। स्मॉग के कारण फेफड़े, दिल तथा तंत्रिका व्यवस्था की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की हालत खराब हो सकती है। दिवाली के दौरान जलने का खतरा भी सबसे अधिक रहता है। दिया, मोमबत्तियां तथा पटाखों के रूप में आग विभिन्न रूपों में उपस्थित रहती है।
हालांकि थोड़ी सावधानी बरतकर जलने की दुर्घटना पर काबू पाया जा सकता है। अन्य सावधानियों के अलावा त्वचा रोग विशेषज्ञ लोगों को अपने साथ पानी की बाल्टी तथा एक एंटीबायोटिक क्रीम रखने की सलाह देते हैं। जलने की स्थिति में ये त्वचा पर सूजन तथा फफोले उत्पन्न होने से रोकते हैं। दिवाली के दौरान पटाखों से भारी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। धुआं तथा तेज आवाज के कारण घरेलू जानवर बिस्तर या फर्नीचर के नीचे छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। जानवरों के मालिक उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनका ध्यान बटा सकते हैं या उनकी मर्जी के मुताबिक जगह पर जाने की छूट दे सकते हैं। दिवाली के एक या दो हफ्ते पहले जानवरों के डॉक्टर की सलाह से उन्हें उत्तेजना रोधी दवा भी देना कारगर साबित हो सकता है। दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण इंसानों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से न सिर्फ हमारी एकाग्रता भंग होती है बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव भी बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे हानिकारक प्रभाव सुनने की क्षमता पर पड़ता है। इंसानों के कान 91 डेसिबल की आवाज 2 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। 100 डेसिबल आवाज होने पर बर्दाश्त करने की क्षमता घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाती है। 112 डेसिबल की आवाज सिर्फ 1 मिनट तक बर्दाश्त की जा सकती है, जबकि 140 डेसिबल की आवाज से तंत्रिका व्यवस्था पर तुरंत गंभीर असर पड़ता है। भारी आवाज से सोने में परेशानी, थकान तथा झुंझलाहट होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार अगर ध्वनि स्तर 85 डेसिबल से अधिक है तो वो इंसानों के लिए हानिकारक है। तो आइए इस साल हम सब मिलकर शपथ लें कि रोशनी का ये त्योहार हम पर्यावरण के अनुकूल बिना शोर शराबे के स्वच्छ ढंग से मनाएंगे। समुद्री जीवन बहुमूल्य है, लेकिन तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदा उसकी संपन्न जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाती है। अब तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी आईसर में केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नए पदार्थ की खोज की है। नया पदार्थ तैयार करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए गए कागज का दोबारा प्रयोग किया है और उसे कम लागत पर तेल सोखने वाले पदार्थ के रूप में विकसित किया है। एक नजर डालते हैं इस महत्वपूर्ण खोज पर। समुद्र लाखों वनस्पतियों तथा जीवों का घर है। इस पानी की गुणवत्ता के नुकसान से पूरे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। तेल रिसाव एक ऐसी आपदा है जो समुद्री जीवन तथा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। तेल या पेट्रोलियम उत्पादों के समुद्र में गिरने को तेल रिसाव कहते हैं। इस साल जनवरी में चेन्नई के एन्नोर तट पर काफी मात्रा में तेल रिसाव हुआ था, जब 2 कार्गो जहाज एक दूसरे से टकरा गए थे। इससे पानी प्रदूषित हो गया और समुद्री पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। तेल ने समुद्र की सतह को ढक लिया, जिससे समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तथा समुद्री वनस्पतियों और जीवों पर बुरा असर पड़ा। अब तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IISER में केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम ने तेल रिसाव से निपटने के लिए एक नया पदार्थ विकसित किया है। तेल रिसाव से पहले भी निपटा जाता था, उदाहरण के तौर पर जलाना, छानना तथा उसे बिखेर देना। जलाने से समुद्री सतह का तेल समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे तेल का नुकसान होता है तथा वायु प्रदूषण बढ़ता है। तेल छानने के लिए आमतौर पर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इमल्सिफायर्स जैसे विशेष रीजेंट की मदद से बिखराव का काम होता है, जो तेल की सतह को छोटे बूंदों में तब्दील कर देते हैं। ये तरीके फायदेमंद नहीं होते। अब IISER के वैज्ञानिकों ने एक नया पदार्थ विकसित किया है, जो पानी की सतह पर स्थित तेल को बेहद असरदार तरीके से सोख लेता है। 8 ग्राम पदार्थ 2 घंटे से भी कम समय में करीब 80 मिलीलीटर कच्चा तेल सोखता है। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ का तेल के विभिन्न नमूनों पर जांच किया, जैसे बॉम्बे हाई कच्चा तेल, सऊदी अरेबिया का अरब लाइट, भारत का रावा, सहारा का सहारन, अबू धाबी का मुरबन तथा कुवैत का कुवैती। उन्होंने पाया कि नया पदार्थ तेल के सभी नमूनों पर प्रभावशाली तरह से काम करता है। समुद्र में हलचल होने पर भी नया पदार्थ तेल सोखता है, जो ज्वार के समय देखा जाता है। इस वक्त रिसा हुआ तेल समुद्र में झाग का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने झाग की स्थिति में समुद्र में इस पदार्थ का परीक्षण किया और पाया कि ऐसी परिस्थिति में भी ये प्रभावशाली तरह से तेल को सोखने में सक्षम है। The material we use is very cheap. Cellulose pulp is very cheap. Also, cellulose pulp
from recycled papers, recycled newspapers, cardboard, etc. Some governmental agencies like ONGC and Coast Guard have approached us to take it further. So we also, United Nations have contacted us to take it further, to improve, I mean to scale it up and to use in a real life scenario. नया पदार्थ छोटे गोलाकार बॉल जैसा है। सेल्यूलोज पल्प को 1256 डायोसाइक्लोहेक्साडाइन मैनिटोल और हेक्सेन के साथ मिलाकर और फिर सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। प्राप्त किए गए पदार्थ में दो स्तर होते हैं, सेल्यूलोज पल्प का अंदरूनी स्तर तथा तेल सोखने वाला बाहरी स्तर। स्पंज की तरह इसमें छिद्र भरे होते हैं, लिहाजा इस पर दबाव डालकर तेल प्राप्त किया जा सकता है। सेल्यूलोज से बना होने के कारण इसकी लागत कम है तथा ये पर्यावरण के माकूल है। वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के नतीजों को वाइले एंजी वॉन्टे केमी इंटरनेशनल पत्रिका के अंक 56 साल 2017 में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने भारतीय पेटेंट दफ्तर में इसे पेटेंट करने के लिए आवेदन दिया है तथा इसे वैश्विक बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये देश विदेश में तेल रिसाव से होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे विज्ञान की दुनिया की कुछ और दिलचस्प खबरें। ১৯২২ के मार्च महीने में प्रताप में यह लेकर समय भेजा गया, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। माखनलाल चतुर्वेदी जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उतने ही बड़े कवि और साहित्यकार, और पत्रकारिता में तो उनका योगदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। विरासत में इस बार एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विज्ञान भारती यानी विभा द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का आयोजन जनता में विज्ञान के प्रति रुझान पैदा करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्षों से प्राप्त भारत की उपलब्धियों को सामने लाना है। चेन्नई में 13 तारीख को शुरू हुआ 3 दिवसीय महोत्सव 16 अक्टूबर 2017 तक चलेगा। ये महोत्सव अन्ना विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र तथा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहा है। महोत्सव के विषय में अधिक जानकारी के लिए scienceindiafest.org देखें। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला तथा विज्ञान लेखक वीवी विनॉय के द्वारा संपादित पुस्तक ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन गैप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेसन्स फ्रॉम इंडिया का विमोचन करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावशाली संचार की कमी की बात कही। पुस्तक में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी वर्तमान संचार नीति तथा कार्य प्रणाली का विवरण है। पुस्तक संचार की बेहतर प्रणाली भी सुझाती है। ये पुस्तक विशेषकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के छात्रों तथा विज्ञान पत्रकारों के लिए लाभदायक है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति तथा मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बहु प्रतिभाशाली अब्दुल कलाम एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, लेखक थे, प्रोफेसर थे, और इसके अलावा उन्होंने 2002 से 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर कलाम ने भारत के सिविल अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा सैन्य मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रक्षेपण यानों तथा बैलिस्टिक मिसाइलों संबंधित तकनीकों को विकसित करने के कारण उन्हें अक्सर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल तथा नाग मिसाइल तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वो भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। डॉक्टर कलाम ने 1998 में हुए परमाणु परीक्षण पोखरण 2 के दौरान अहम तकनीकी भूमिका अदा की थी। अपने प्रेरणादायक भाषणों के कारण कलाम बच्चों में लोकप्रिय थे और लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे। वैज्ञानिक शोध विकास तथा रक्षा क्षेत्र में तकनीकी के आधुनिकीकरण में योगदान को देखते हुए उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को उस वक्त उनका देहांत हो गया जब वो शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में भाषण दे रहे थे। डॉक्टर कलाम न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।